दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोहार झारखंड में। मैं बी कच्छप। आज का टॉपिक है झारखंड के प्राचीन राजवंश, पार्ट 3 है ये। तो चलिए देखते हैं फिर। प्राचीन काल में गुप्त और गोंड शशांक प्राचीन काल में गुप्त और गोंड शशांक ने झारखंड क्षेत्र में अधिकार किया था। झारखंड के प्रमुख राजवंशों का कालक्रम, सबसे पहला है छोटा नागपुर का नागवंश, सबसे अधिक समय तक रहने वाला राजवंश है। और दूसरा पलामू का रक्सेल वंश, तीसरा सिंहभू का सिंह वंश, चौथा मानभू का मानवंश, पांचवा रामगढ़ का राजवंश, रामगढ़ का राज्य, छठा है खड़गडी राज्य, और सातवां है पंचेत राज्य, आठवां है ढालभूम का ढाल वंश, नौवां है पलामू का चेरो वंश, मुंडा राजवंश। ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सूतिया पहान को शासक चुना। और नए राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा। सूतिया पहान ने अपने राज्यों को 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया। मदरा मुंडा मुंडाओं का अंतिम राजा था। इम्पोर्टेंट छोटा नागपुर का नागवंश, इस राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में फणी मुकुट राय ने की थी। फणी मुकुट राय पुंडरिक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र है। फणी मुकुट राय के राज्य में 22 परगने थे। फणी मुकुट राय ने सूतियांबे को अपनी राजधानी बनाई। सूतियांबे में उन्होंने एक सूर्य मंदिर का की स्थापना की थी। फणी मुकुट राय नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। फणी मुकुट राय नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। फणी मुकुट राय का दीवान पांडे भाव राय श्रीवास्तव थे। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय ने सूतियांबे से राजधानी बदलकर स्वर्णरेखा नदी के तट पर चुटिया ले गया। भीमकर ने चुटिया से राजधानी बदलकर खुखरा ले गया। भीमकर ने भीम सागर का निर्माण कराया। नागवंशी राजा ने डोईसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया। नागवंशी राजा ने डोईसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला का भवन का निर्माण कराया। नागवंशी राजाओं की राजधानी का क्रम इस प्रकार है: सूतियांबे, चुटिया, खुखरा, डोईसा, पालकोट और अंतिम में है रातुगढ़। पलामू का रक्सेल वंश, पलामू में रक्सेलों का आधिपत्य था। इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियां खरवार, गोंड, माहे, कोरवा, पहाड़िया तथा किसान था। इसमें सबसे अधिक संख्या खरवारों की थी, जिसके शासक प्रताप
धवल थे। सी वंशी राठौर राजपूत थे, जो पश्चिम भारत से 8वीं शताब्दी में आए थे। सी वंश पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। दूसरी शाखा के संस्थापक दर्पण नारायण सिंह थे। 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय अत्याचारी व निरंकुश था, जिसके कारण भूइया लोगों ने विद्रोह किया। 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय अत्याचारी था, निरंकुश था, जिसके कारण भूइया लोगों ने विद्रोह किया। अन्य राजवंश, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने किया था। रामगढ़ के राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने राजधानी रामगढ़ से हटाकर पद्मा में स्थापित किया। पलामू का चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी।